नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता ठाकुर और मध्यांचल न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर तत्काल पहुंचे आप तक। आइए जानते हैं आज की ताजा खबर। आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शासन द्वारा गरीबों के हित में चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना, विकलांग पेंशन आदि जैसी सुविधाओं से वंचित है। और ऐसा ही मामला पथरिया विधानसभा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जगधर में सामने आया है, जहां 65 वर्षीय मन्नू बंसल एक कच्चे मकान में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री का आवास नहीं मिला तो वहीं पिछले कई वर्षों से अपने विक्षिप्त पुत्र की पेंशन के लिए चक्कर काट रहे हैं एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पूर्व सरपंच एवं सचिव से कई बार आग्रह भी कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कागज भी जमा किए लेकिन आज तक उन्हें ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान प्राप्त हुआ और ना ही पुत्र की पेंशन बन सकी। तो वही वर्तमान सरपंच कुंदन अहिरवार उक्त व्यक्ति को पात्र बताते हुए कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास एवं पेंशन का लाभ दिलाने के लिए प्रयास करेंगे।